एप्रोन पहन के जो बच्चे मेडिकल कॉलेज में आम लोगों मरीजों का सेवा देते हैं उनको डंडे मार के भगा रहे हैं, आप शर्मनाक की स्थिति है। चुनाव ज्यादा दिन नहीं है चुनाव का, देख पता चल जाएगा उसको, पता चल जाएगा इस बार। हम भी उसी जहाँ के है ना तेजस्वी यादव, वही से हम भी है, उसको पता चला देंगे। सिर्फ पेपरबाजी करने से कुछ नहीं होता है, उनको चाहिए व्यवस्था अच्छा कराएं, स्वास्थ्य विभाग में अच्छा व्यवस्था कराएं, ऊपरी ऊपरी व्यवस्था होने से कुछ नहीं है, आप अंदर की चीज को व्यवस्था कराइए ना। सुनिए, आते जाते हैं ना तो माला से ना स्वागत करते हैं, इस बार जूता चप्पल से स्वागत करेंगे, हम करेंगे खुले। एक भी टीचर कॉलेज में नहीं, एक साल एडमिशन को हो गया, एक भी टीचर नहीं है, कोई लैब नहीं है, क्या हम लोग पढ़े, क्या हम लोग का भविष्य रहेगा। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे। पारा मेडिकल के छात्र आज रावड़ी आवास पर पहुंचे हुए थे, तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये अपनी अपनी मांगों को लेकर आज तेजस्वी यादव से मिलने के लिए रावड़ी आवास पर आए हुए थे। आप देख सकते हैं जितने भी पारा मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं सब यहाँ पे, और रावड़ी आवास पे ये लोग थे और यहाँ से पुलिस इन्हें हटा रही है। क्या हुआ? देखिए, हम लोग को यहाँ से पुलिस भगा रही है, हम लोग का एग्जाम कंट्रोलर एक महीना से गायब है, नहीं दो पांच मंथ हो गया एग्जाम का, आज तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। दो साल का कोर्स है, इसको पूरा करने में पांच साल लग रहा है। अब देखिए, हम लोग 20 बैच से है, हम लोग का दो साल का कोर्स था, अभी देखिए 2023 चल रहा है ना, अभी तक फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ है, रिजल्ट भी नहीं आया, फिर सेकंड ईयर का एग्जाम होगा, मतलब 25 तक हम लोग का फाइनल होगा, तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। सेशन कौन सा है? सेशन हम लोग का 20-22 सेशन है। अब देखिए 23 22 सेशन है हम लोग का, 20-22, और देखिए आज तक 18 बैच का आज तक क्या हुआ है कि 2018 बैच के जितने भी छात्र थे उनका आज तक फाइनल नहीं हुआ, तो उनका तो 5 साल हो गया, हम लोग का इसी तरह 5 साल लग रहा है। संजय कुमार सर जो थे हम लोग का एग्जाम कंट्रोलर गायब हो गया, किस तरह अब उसके जगह पे दूसरा नियुक्ति होगा, वेट किया जाएगा, कितना वेट किया जाएगा। और ये रावड़ी आवास पे थे तो फिर हटाए क्यों? रावड़ी आवास पे हम लोग को भगाया जा रहा है, और हमने कराया थे कि हम लोग का सत्र जो है उसको नियमित किया जाएगा, हम लोग का 5 मंथ से से मुलाकात हुई कि नहीं? मुलाकात नहीं हो पाई है, देखिए, जबकि हाईकोर्ट का नोटिस है कि परीक्षा के 3 मंथ के बाद रिजल्ट आना चाहिए, हम लोग का परीक्षा नवंबर में हुआ, अभी मार्च खत्म होने को है, अप्रैल स्टार्ट हो गया है, अब 5 मंथ हो गया तक रिजल्ट नहीं आया है, तो इस तरह का सरकार से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप बताइए, हम यादव से मुलाकात हुआ कि नहीं होगा? जिस टाइप का ये बनाया गया है, जिस टाइप का ये प्रशासन कर रहे हैं, हमको तो लगता है मुलाकात नहीं होगा, सिर्फ पेपरबाजी करने से कुछ नहीं होता है, उनको चाहिए व्यवस्था अच्छा कराएं, स्वास्थ्य विभाग में अच्छा व्यवस्था कराएं, ऊपरी ऊपरी व्यवस्था होने से कुछ नहीं है, आप अंदर की चीज को व्यवस्था कराइए ना, अंदर में कर्मचारी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम लोग का काउंसिल गठन नहीं है, व्यवस्था नहीं था तो हम लोग को क्यों कॉलेज भेज दिया गया सर? कौन सा सेशन है? हम सबका 22-24 है, अभी तक कुछ नहीं हुआ, 6 महीना हो गया बैठे। ज्यादा दिन नहीं है चुनाव का, देख पता चल जाएगा उसको, पता चल जाएगा इस बार। हम भी उसी जहाँ के है ना तेजस्वी यादव, वही से हम भी है, उसको पता चला देंगे, पता चल जाएगा इस बार। पुलिस हटा क्यों रही है? जूता का ना माला पहना है, पुलिस हटा क्यों रही है? पुलिस उनका काम है हटाने का, वो सुनिए सर। सर देखिए, हम लोग मेडिकल स्टूडेंट हैं, हम लोग को मेडिकल स्टूडेंट की तरह व्यवहार नहीं किया जा रहा है, वहाँ बस मजदूरों की तरह खटाया जा रहा है, सिर्फ स्टाइपेंड के लिए आ गया है, बट केवल पेपर पर भगाया जा रहा है। क्यों भगाया जा रहा है? शांतिपूर्ण तरीके से नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है, हम लोग अपना मांग कर रहे हैं, लेकिन मांग उनसे मांग नहीं रखनी जा रहा है, अकेला जा रहा है, एक अंकल के भगाया जा रहा है, देख रहा वहाँ बोला जा रहा है ऊपर से आदेश, अगर उनसे उनका पदभार नहीं समझा जा रहा है ना तो पदभार किसी और को दे दें। देखिए, सुनिए, आते जाते हैं ना तो माला से ना स्वागत करते हैं, इस बार जूता चप्पल से स्वागत करेंगे, हम करेंगे खुले आप। देखिए, 18 बैच के MBBS लोग पास हुए लेकिन पैरामेडिकल नहीं पास हुए, 18 बैच के जितना भी कोर्स का 5 साल का 4 साल 3 साल सब लोग पास हुए लेकिन 2 साल का पैरामेडिकल। तेजस्वी भूल जाए कि CM बनेगा, मांग के लिए। अरे हम सब तो ग्रेजुएट है, उनके पास कहाँ से डिग्री है, आएगा डिग्री उनके पास? काफी ज्यादा आकाश पे गए थे तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए, लेकिन यहाँ पे तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं हो रहा, और जिस तरीके से ये लोग गए थे रावड़ी आवास पे, तो पुलिस जो है उन्हें यहाँ से हटा रही है। हम लोग को पता नहीं यहाँ से क्यों हटा जा रहा है, हम लोग का मांग काउंसिल पूरा नहीं का गठन था, सत्र में विधानसभा में क्वेश्चन पूछा गया कि काउंसिल का गठन होगा, सब चीज प्रक्रियाधीन है, पिछले सरकार जो चीज लागू की वो भी इनका प्रक्रियाधीन है, इनका सरकार खत्म हो जाएगा। देखिए, अगर हम सब अभी आगे अगर कुछ बनते हैं, कहीं जाते हैं, अगर हम सब छोड़ देंगे ना इलाज करना, तो लू लांगर कोढ़ी सब हो जाइएगा आप, लेकिन कोई देखने वाला नहीं आएगा, बता दे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है? गुस्सा कहे है, भगा रहे हैं पीछे से, पुलिस लोग पीछे से भगा रहे हैं, आवाज से बाहर कर रहे हैं, हम लोग हक के लिए मांग कर रहे हैं, थोड़े ना है हम।
एमबीबीएस के डॉक्टर को इतना अधिकार नहीं है कि वो हर एक जांच कर सके। हम लोग हर एक डिपार्टमेंट जाके जांच करते हैं, सब कुछ करते हैं। हम लोग ज्यादा गुस्सा नहीं रहे, हम लोग उनसे प्रस्ताव रख रहे हैं तो घिंच के भगा रहे कि भागो यहाँ से। अब स्वास्थ्य मंत्री आपसे नहीं मिलते किससे मिलेंगे, आपसे अगर नहीं मिले तो किससे बात रखेंगे, आप ही सर बात रखेंगे किससे रखेंगे, आप स्वास्थ्य मंत्री बने ना। आज से छह मंथ पहले देखिए आप तेजस्वी यादव का जो ट्विटर अकाउंट है उस पर देख सकते हैं, देख सकते हैं कि 1500 रुपया पारा मेडिकल छात्र को दिया जा रहा है उनके ट्विटर पर, फेसबुक पर। बाप चारा घोटाला किए हैं तो पारा मेडिकल का स्टाइपेंड घोटाला, 1500 स्टाइपेंड है छात्रों को देना है। यही कहना है सरकार से, अगर सरकार को पदभार नहीं संभाला जा रहा है तो पदभार छोड़ दिया जाए, हम पदभार संभाल लेंगे, पूरे बिहार के जनता को सब कुछ देंगे। हमने हमसे मिलने के लिए 2 मिनट समय ना, अब क्यों बने हो स्वास्थ्य मंत्री, छोड़ दिया। जब शांतिपूर्ण तरीके से रावड़ी आवास पे गए थे तेजस्वी यादव से मुलाकात करने, तो फिर पुलिस धकेल धकेल के क्यों भगा रही है? देखिए पुलिस अभी छात्रों को धकेल के भगा रही है, पुलिस लाठीचार्ज भी कर रही है, कई छात्रों को थप्पड़ भी लगा दिया गया है, हमारे छात्रों को मारा पीटा जा रहा है। तेजस्वी जी एक बात याद रखिए कि ये छात्र अगर चाह ले तो चुटकी चुटकी में मसल के बड़े बड़े मठाधीशों को नीचे ला दिया है। आप जानते हैं कि कांग्रेस का कितने दिनों का राज था और आपका भी पूर्व में कितने दिनों का राज था, तो सत्ता परिवर्तन में टाइम नहीं लगता है। आप सरकार में हैं, आप हमारी मांगों को वो सुनिए। आप कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग को सुधारना है, तो स्वास्थ्य विभाग में रहने वाले लोग पारा मेडिकल को सुनिए। अगर पारा मेडिकल के छात्रों की मांगों को नहीं सुनिएगा तो स्वास्थ्य विभाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ हवा हवा बातें करने से। इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है? अरे शर्मनाक की स्थिति है, बताइए हमारे स्वास्थ्य मंत्री भैया वोट देके आपको चुन के लाते हैं और बच्चों को आप डंडे मार के बाहर भगाते हैं, शर्मानी चाहिए। अब देखिए वहां से दुरा के बच्चों को ला रहे हैं, बच्चा बिहार के अलग अलग जिले से अलग अलग मेडिकल कॉलेज से आ रहा है, बच्चा उम्मीद लेके आ रहा है, उसको डंडे मार के बोलते 144 धारा लागू है। कितना बच्चा है जो जिनका सेशन लेट है, कितना टोटल कितने हैं? 10,000 प्लस बच्चे हैं हर बच्चा का, सुनिए सुनिए, कम से कम अभी जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना 19-20 बच्चे का रिजल्ट नहीं आया है। सरकार को स्वास्थ्य मंत्री को चाहिए एक मीटिंग करे और उसमें छात्रों को बुलाए और मांग क्या है, मांग बताइए। सबसे पहले हमारे एग्जाम कंट्रोल के जल्द से जल्द नियुक्ति हुआ, 18 बज के एमबीबीएस फाइनल कर गया, बीटेक फाइनल कर गया, जीने फाइनल कर गया, जबकि पारा मेडिकल फाइनल नहीं किया। सेम जो की बोर्ड सेम है, काउंसिल सेम है, फार्मेसी वाला फाइनल कर गया लेकिन 18 बज के अब तक फाइनल नहीं किया पारा मेडिकल। अगर कोई भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले उसको पारा मेडिकल, तो ड्रेसर ओटी एक्सरे लैब टेक्निशियन सबसे पहले उसको पारा मेडिकल टेक्निशियन मिलता है, और पारा मेडिकल को मेडिकल का पिलर कहा जाता है, अगर पिलर ही कमजोर होगा तो सारे मेडिकल व्यवस्था ही कमजोर। अरे स्थिति बहुत खराब है, हम कहेंगे स्वास्थ्य मंत्री जी विधानसभा होते रहेगा, किसके लिए स्वास्थ्य मंत्री, हमारे लिए ना, बिहार के बच्चों के लिए है? बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, बताइए। हम लोग वहाँ पे मरीजों का इलाज करते हैं, यहाँ हवलदार को भेजते हैं भगाने के लिए इन बच्चों को, एप्रोन पहन के जो बच्चे मेडिकल कॉलेज में आम लोगों मरीजों का सेवा देते हैं उनको डंडे मार के भगा रहे हैं। आप शर्मनाक की स्थिति है, आप बच्चों का सुनिए जो दूर से आया है, नहीं तो भेजवाइए किसी अधिकारी को, भैया ये दिक्कत है आप नहीं सुन सकते। अभी डंडे मार मार के बच्चों को भगाया जा रहा है, कैसे काफी गुस्से में। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप मेडिकल स्टूडेंट से 2 मिनट बात नहीं कर सकते? एक भी टीचर कॉलेज में नहीं, 1 साल एडमिशन को हो गया, एक भी टीचर नहीं है, कोई लैब नहीं है, क्या हम लोग पढ़े, क्या हम लोग का भविष्य रहेगा? हम जो पारा मेडिकल के स्टूडेंट से सब रावड़ी आवास पर गए हुए थे तेजस्वी यादव से मुलाकात के लिए, इन लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव 2 मिनट का समय नहीं दे रहे हैं, काफी ज्यादा आक्रोशित है, सेशन इनका लेट है, भर्ती के लिए कह रहे लेकिन इनकी कोई भी बातों को सुना नहीं जा रहा सरकार के द्वारा, काफी ज्यादा आक्रोशित है। और सभी अभी रावड़ी आवास पे थे लेकिन वहां से पुलिसकर्मियों ने उन्हें यहाँ से हटा दिया। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।